हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ नीलम गर्ग। आज हम बनाएंगे ब्रेड के कटलेट। कटलेट बनाने के लिए हमें चाहिए कद्दूकस की हुई गाजर, ये हमने पहले से ही बॉईल करके रखी हुई है, मटर चॉप करके रखी हुई है, प्याज, हरा धनिया, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा गरम मसाला, अमचूर पाउडर और नमक। और ये ब्रेड हमने छोटे छोटे टुकड़ों में करके रखी हुई है। और ये उबले हुए आलू जो हमने पहले से ही मैश करके रखे हुए हैं। ब्रेड कटलेट बनाने के लिए हम पहले आलू को ऐसे मैश करेंगे और फिर इसमें ये छोटे छोटे ऐसे टुकड़ों में करके ऐसे आप इसको चाहें तो काट भी सकते हैं। ये उबली हुई मटर है, ये कद्दूकस की हुई गाजर 1 से 2 स्पून, ये धनिया पत्ती, ये प्याज बारीक कटी हुई, इसमें डालेंगे हम ब्रेड जो हमने पहले से ही बारीक करके रखी हुई है। लाल मिर्च पाउडर ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। धनिया पाउडर, गरम मसाला 1/2 स्पून, अमचूर पाउडर 1 स्पून, नमक लगभग 1 छोटी स्पून, इसको आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। अब हम इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। ये देखिए अब ये सब मिक्स हो चुका है हमारा कटलेट के लिए। अब रेडी है हमारा ये। अब हम इसे थोड़ा सा उठाकर कटलेट की शेप देंगे। आप इसे चाहें तो किसी भी शेप में बना सकते हैं। इसी तरीके से हम सारे कटलेट रेडी कर लेंगे। इतने हम अपने कढ़ाई, इसमें ऑयल डाला हुआ है हमने, इसमें कढ़ाई को गैस पर ऑन करके कढ़ाई को गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। इसी तरीके से हम सारे कटलेट बनाकर रेडी कर लेंगे। ये देखिए हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। हमारा तेल भी गर्म हो चुका है। अब हम इसको कढ़ाई में डालेंगे धीरे से। ये देखिए सभी को इसी तरीके से डीप फ्राई कर लें। ध्यान रहे कि मटर को आप छोटे छोटे टुकड़ों में ही करके डालें, वरना मटर का पटकने का डर रहता है। ये देखिए हमारे कटलेट एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं और इनको दूसरी साइड से थोड़ा हल्का सेकेंगे। और ये देखिए लगभग हमारे कटलेट बनकर रेडी हो चुके हैं। कटलेट बनकर हमारे रेडी हो चुके हैं। इसी तरीके से इनको भी डीप फ्राई करके गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएं। ये देखिए हमारे कटलेट बनकर रेडी हो चुके हैं। हम इनको गर्म गर्म सर्व करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।